अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इब्रार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सर्कुलर टैंक, यानी कि कब किसी भी सर्कुलर टैंक में जो है पानी की कितनी कैपेसिटी होती है वो मालूम किस तरह करते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक टैंक तमीर किया, यानी कि बनाया है, ड्राइंग ही बनाई है सिर्फ उसकी। तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं कि इसके जो है इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी जो है इसमें पानी हम जो है स्टोर कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इसमें हमारे पास लेंथ होती है टैंक की जो हमें मालूम होती है। क्या आपके पास अगर टैंक है तो आप उसकी लेंथ जो है मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो है 12 फीट है इसकी लेंथ, यानी कि हाइट कह लें लेंथ हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास डायामीटर है इस टैंक का जो कि 4 फीट जो है मैंने लगाया है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेंथ आ जाती है, लेंथ हमारे पास है 12 फीट। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है डायामीटर, डायामीटर हमारे पास आता है 4 फीट। तो अब हम जो इसका फार्मूला है वो लगा लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई डी का स्क्वायर ओवर 4, पाई डी का स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू है वो 3.14, इसी तरह डी है वो हमारे पास है 4 फीट, 4 इसका स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास जो है वो है 12 फीट। तो 12 लगा देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर पे हल कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमारे पास कीमत है पाई की, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पाई ही लगा लेता हूँ। पाई लगा लिया, अब हमारे पास आगे 4 का स्क्वायर आ गया और नीचे हमारे पास 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 और मल्टीप्लाई 12 से लेंथ से। तो हमारे पास आ जाती है कीमत 150.796 क्यूबिक फुट में। ये हमारे पास क्यूबिक फुट में इसकी जो है वॉल्यूम हमारा जो है आ चुका है। अब हम इनको लीटर्स में बात कर लेते हैं कि लीटर्स में इसमें जो है हम कितना स्टोर कर सकते हैं पानी। तो लीटर्स के लिए इन लीटर्स, चूँकि हमें मालूम होता है, वी नो दैट 1 क्यूबिक फुट वॉल्यूम इज इक्वल टू 28.7 लीटर्स। तो हमारे पास कितना है क्यूबिक फुट, तो हम अगर इसको मालूम करना चाहें लीटर्स में तो ये हमारे पास आ जाएगा 150.796 मल्टीप्लाई कर देंगे 28.7 से। तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई किया हमने 28.7 से 150.796 मल्टीप्लाई करेंगे 28.7 से तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है 4327.8452 लीटर्स, यानी कि हम जो है इतना पानी इस वाटर टैंक में, इतनी पैमाइश के वाटर टैंक में इतना पानी जो है हम स्टोर कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है इसकी कि ये इतने लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।